हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है फ्रांसिस टरबाइन। आज की वीडियो में हम जानेंगे फ्रांसिस टरबाइन किस टाइप की टरबाइन है, फ्रांसिस टरबाइन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और फ्रांसिस टरबाइन कैसे काम करती है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले हम जानेंगे कि टरबाइन क्या होती है। तो टरबाइन एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी फ्लूड की हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और ये फ्लूड हमारा किसी भी तरीके का हो सकता है, एग्जांपल वाटर, स्टीम, एयर और कंबस्टन गैस, ये सारे हमारे फ्लूड हैं। और किसी भी फ्लूड के अंदर दो टाइप की एनर्जी होती है, पहली काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड प्रेशर एनर्जी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि टरबाइन एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी फ्लूड की काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। टरबाइन का जनरली यूज़ हम करते हैं इलेक्ट्रिकल जनरेशन में, यानी कि बिजली पैदा करने में। और कुछ टरबाइनें ऐसी हैं जिनका यूज़ हम करते हैं प्रोपल्शन सिस्टम में। हमारी गैस टरबाइन एक ऐसी टरबाइन है जिसका यूज़ हम प्रोपल्शन सिस्टम में करते हैं, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एरोप्लेन्स एंड जेट इंजन्स। इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर डैम है और ये पानी आ रहा है, ये हमारी टरबाइन लगी है। ये टरबाइन इस पानी की एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में, और इसी टरबाइन के साथ अटैच है जनरेटर, और ये जनरेटर इस टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। अब हम जानेंगे कि आखिर टरबाइन कितने टाइप की होती है। टरबाइन वैसे तो कई टाइप की होती है, जैसे कि वाटर टरबाइन, गैस टरबाइन, विंड टरबाइन और स्टीम टरबाइन, लेकिन यहाँ पर हम वाटर टरबाइन के बारे में जानेंगे। तो वाटर टरबाइन दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, जिसमें पहली है रिएक्शन टरबाइन एंड सेकंड है इम्पल्स टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन के एग्जांपल हमने यहाँ पर लिख रखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आराम से इसको पढ़ सकते हैं। इम्पल्स टरबाइन की जो सबसे मेन टरबाइन है वो है पेल्टन व्हील टरबाइन। इस टरबाइन का वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर रखा है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पेल्टन व्हील टरबाइन का वीडियो देख सकते हैं और उसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझ सकते हैं। आज की जो टरबाइन है वो है हमारी फ्रांसिस टरबाइन, जो कि एक रिएक्शन टरबाइन है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो फ्रांसिस टरबाइन है क्या? फ्रांसिस टरबाइन का इन्वेंशन करा था एक ब्रिटिश अमेरिकन इंजीनियर जिनका नाम था जेम्स बी फ्रांसिस, और इन्हीं के नाम पर इस टरबाइन को हम फ्रांसिस टरबाइन कहते हैं। फ्रांसिस टरबाइन एक वाटर टरबाइन है और साथ ही में एक इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन है, जिसके अंदर दो टाइप के फ्लो पाए जाते हैं, जिसमें पहला फ्लो है रेडियल फ्लो एंड सेकंड फ्लो है एक्सियल फ्लो। अब यहाँ पर एक सवाल आ सकता है कि आखिर रेडियल फ्लो क्या होता है और एक्सियल फ्लो क्या होता है। जब भी हमारा पानी टरबाइन की एक्सेस के परपेंडिकुलर फ्लो करेगा तब हम उसको कहेंगे रेडियल फ्लो, और जब भी पानी टरबाइन की एक्सेस के पैरेलल फ्लो करेगा तब हम उसको कहेंगे एक्सेल फ्लो। इस बात को आपको ध्यान रखना है। फ्रांसिस टरबाइन के अंदर दो फोर्स काम करते हैं, जिसमें पहला फोर्स है इंपल्स फोर्स एंड सेकंड फोर्स है रिएक्शन फोर्स। इन दोनों फोर्स के कंबाइंड वर्क करने के कारण ही हमारी फ्रांसिस टरबाइन घूमती है। आगे हम जानेंगे कि ये दोनों फोर्स किस तरीके से टरबाइन पर लगते हैं। फ्रांसिस टरबाइन का यूज़ उन जगहों पर होता है जहाँ पर मीडियम वाटर हेड मिलता है,
यानी कि जहाँ पर पानी की हाइट 45 से 400 मीटर तक होती है। और साथ ही में फ्रांसिस टरबाइन उन जगहों पर यूज होती है जहाँ पर पानी का मीडियम डिस्चार्ज मिलता है, और ये डिस्चार्ज होना चाहिए 10 से 700 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। फ्रांसिस टरबाइन की जो स्पीड है वो होती है 75 से लेकर 1000 आरपीएम तक। हमारे ज़्यादातर हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर फ्रांसिस टरबाइन ही यूज़ होती है। इसके पीछे का रीज़न है इसकी इफिशियंसी। इस टरबाइन की इफिशियंसी लगभग 95% तक होती है। अब हम जानेंगे फ्रांसिस टरबाइन के कौन कौन से पार्ट्स हैं। वैसे तो टरबाइन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो मेन पार्ट्स हैं उसके बारे में ही जानेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पाइरल केसिंग, स्टे वेन, गाइड वेन, रनर ब्लेड, ड्राफ्ट ट्यूब एंड पेन स्टोव, ये सारे ही फ्रांसिस टरबाइन के मेन पार्ट्स हैं। अब इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रांसिस टरबाइन का एक क्रॉस सेक्शनल व्यू है जो कि फ्रंट व्यू है, जिसमें कई सारे पार्ट्स आपको दिखा रखे हैं। आप इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से सारे पार्ट्स को देख सकते हैं। इस पिक्चर में आप आसानी से बाकी पार्टों को भी देख सकते हैं, और ये भी एक क्रॉस सेक्शनल व्यू है, लेकिन ये टॉप व्यू है जिसमें आप देख सकते हैं ये है हमारी स्पाइरल केसिंग, ये जो ब्लैक कलर के हैं ये हमारे स्टेमेन, ये जो येलो कलर के हैं ये हमारे गाइड वेन, और ये जो बीच वाला पार्ट है ये है रनर, और ये है हमारी ड्राफ्ट ट्यूब जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं आखिर पेन स्टॉक क्या होता है। पेन स्टॉक वो भाग होता है जहाँ से डैम से पानी आता है और एक्चुअल पावर स्टेशन तक जाता है। पेन स्टॉक के बाद ही जो पानी है वो हमारा स्पाइरल केसिंग के अंदर जाता है। तो यानी कि हमारा जो पेन स्टॉक है वो डैम से पानी लाने का काम करता है और टरबाइन तक पहुंचाने का काम करता है। पेन स्टॉक को कहीं कहीं इनपुट पाइप भी कहते हैं। पेन स्टॉक का जो डायमीटर है वो 1 से 10 मीटर तक हो सकता है। स्पाइरल केसिंग क्या होती है? स्पाइरल केसिंग किसी भी टरबाइन का वो इनलेट मीडियम है जहाँ पर पानी सबसे पहले आता है। अगर डैम से पानी की बात करें तो वो आता है पेन स्टॉक में, लेकिन पेन स्टॉक टरबाइन का पार्ट नहीं है, लेकिन स्पाइरल केसिंग टरबाइन का एक इंटीग्रेटेड पार्ट है, और स्पाइरल केसिंग में ही सबसे पहले पानी आता है। और जब भी हमारे स्पाइरल केसिंग आप देखेंगे तो वो इस तरीके की होती है कि उसका डायमीटर शुरू में तो ज़्यादा होगा और बाद में धीरे धीरे कम होगा। ऐसा क्यों है वो हम आगे जानते हैं। स्पाइरल केसिंग क्यों यूज़ करते हैं पहले हम ये जानते हैं। जो हमारी ये फ्रांसिस टरबाइन है इसके अंदर जो ब्लेड हैं वो एक सर्किल में लगे होते हैं। इसका मतलब यह है कि जो पानी है उसको टरबाइन ब्लेडों पर टकराने के लिए एक सर्कुलर एक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी, और इसी कारण से हम स्पाइरल केसिंग यूज़ करते हैं। लेकिन जब पानी सर्कुलर मूवमेंट करता है और साथ ही में टरबाइन के अंदर स्टे वेंस लगी रहती हैं, जिसके कारण क्या होता है हमारे पानी की जो वेलोसिटी है वो कम होती है। लेकिन टरबाइन की इफिशेंसी को मेंटेन रखने के लिए यह आवश्यक है कि जो हमारी पानी की वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रहे, और इसी वेलोसिटी को यूनिफॉर्म बनाए रखने के लिए हम स्पाइरल केसिंग का डिज़ाइन ऐसा रखते हैं कि वो धीरे धीरे कम हो, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ एक स्पाइरल केसिंग है जहाँ पर पानी यहाँ से एंटर करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डायमीटर ज़्यादा है, और धीरे धीरे पानी इधर की ओर जाता है यहाँ पर ऐसे, और आप देख सकते हैं यहाँ पर डायमीटर कम है।
इसके बाद हम जानते हैं आखिर स्टेवेन क्या होती हैं और क्या काम करती हैं। स्टेवेन का काम होता है पानी को गाइड करना, यानी कि डायरेक्शन प्रदान करना। स्टेवेन स्टेशनरी पोजिशन में होती है, यानी कि ये मूव नहीं कर सकती। और इनका दूसरा काम होता है कि जब पानी रेडियल फ्लो करता है तो उसके अंदर भंवर पैदा हो जाते हैं, यानी कि स्वर्ल पैदा हो जाते हैं। इन भंवर्स को कम करने का काम करती है हमारी स्टेवेन, जिसके कारण से हमारे टरबाइन की जो इफिशियंसी है वो बढ़ जाती है। गाइड वेन, गाइड वेन जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इसका काम भी पानी को गाइड करना होता है, लेकिन ये गाइड वेन स्टेशनरी नहीं होती, यानी कि गाइड वेन अपनी जगह पर मूवमेंट कर सकती है। गाइड वेन के दो मेन काम हैं। सबसे पहला काम है पानी का जो स्ट्राइकिंग एंगल है, यानी कि जिस एंगल से पानी रनर ब्लेड पर स्ट्राइक करेगा उसको कंट्रोल करना, जिससे कि हमारी टरबाइन की इफिशियंसी बढ़ती है। और सेकंड है हमारा पानी के फ्लो रेट को रेगुलेट करना। अगर हमारे टरबाइन पर लोड ज़्यादा है तब हम क्या करेंगे, हमारा जो गाइड वेन है उसको ओपन कर देंगे, और अगर हमारे टरबाइन पर लोड कम है तब हम हमारे गाइड वेन की जो ओपनिंग है उसको थोड़ा क्लोज कर देंगे, जैसा कि आप इस एनिमेशन में समझ सकते हैं। आप देखेंगे कि अभी जो हमारा पानी का फ्लो है ये बढ़ रहा है, तो आप यहाँ देखेंगे ये वेन्स जो हैं वो खुल गई हैं, यानी कि इनकी ओपनिंग बढ़ गई है। अब जैसे ही यहाँ पर पानी जो है कम हुआ ये वेन क्लोज हो गई। आप आसानी से इस एनिमेशन की मदद से समझ सकते हैं कि गाइड वेन का क्या काम है। अब हम जानेंगे रनर ब्लेड क्या होता है। रनर ब्लेड जो कि टरबाइन का मेन पार्ट है, और यही वो पार्ट है जिससे जनरेटर की जो शाफ्ट है वो अटैच रहती है। फ्रांसिस टरबाइन का रनर ब्लेड दो पार्ट में डिवाइड रहता है, पहला है अपर पार्ट एंड सेकंड है लोअर पार्ट। जो रनर ब्लेड का अपर पार्ट है वहाँ पर पानी के फ्लो के कारण एक रिएक्शन फोर्स कार्य करता है, और लोअर पार्ट के अंदर एक स्मॉल बकेट जैसा डिजाइन बना रहता है जहाँ पर पानी का जो फ्लो है इम्पल्स एक्शन दिखाता है, या ये कहें इम्पल्स फोर्स लगाता है। इन दोनों ही फोर्स के कारण हमारा रनर ब्लेड रोटेट करता है और हमारी जो टरबाइन है वो घूमने लगती है। ब्लेड पर ये दोनों फोर्स किस तरीके से काम करेंगे वो वर्किंग प्रिंसिपल में हम आसानी से समझेंगे। रनर ब्लेड की जो संख्या है वो 16 से 24 तक होती है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक रनर ब्लेड की पिक्चर है। यहाँ पर ये जो पार्ट है ये अपर पार्ट है, और इसे जो नीचे है वो लोअर पार्ट है। अब हम जानेंगे कि ड्राफ्ट ट्यूब होती क्या है और इसका हम यूज़ क्यों करते हैं। जब भी हमारा पानी रनर से बाहर निकलता है तो वहाँ पर जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, जिसके कारण पानी आसानी से बाहर नहीं जा सकता। इसके लिए हम एक ऐसी ट्यूब लगाते हैं जिसका डिजाइन इस तरीके से होता है कि शुरू में तो उसका एरिया कम होगा लेकिन कंटिन्यू धीरे धीरे उसका एरिया बढ़ता जाएगा, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये हमारी ड्राफ्ट ट्यूब है, यहाँ पर एरिया आप देख सकते हैं ये कम है और धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। तो जो हमारी ड्राफ्ट ट्यूब है वो लगती कैसे है, इसका जो कम डायमीटर वाला सिरा है वो लगा रहेगा रनर के एग्जिट पॉइंट पर, और जो बड़ा वाला सिरा है वो लगा रहेगा हमारा टेल रेस में, और वो भी पानी में डूबा रहेगा, जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। यहाँ हमारा रनर है, ये इसका एग्जिट पॉइंट है। यहाँ पर हमारा आप देख सकते हैं जो ड्राफ्ट ट्यूब का वो एरिया जो कि स्मॉल है, और ये है हमारा टेल रेस। आप देख सकते हैं ड्राफ्ट ट्यूब का वो एरिया जहाँ का डायमीटर बड़ा है वो इसके अंदर डूबा हुआ है।
और यही वो डायमीटर यहाँ पर है। तो ये है हमारा ड्राफ्ट ट्यूब का काम। अब हम जानेंगे कि फ्रांसिस टरबाइन काम कैसे करती है या इसके जो ब्लेड हैं किस तरीके से रिएक्शन फोर्स और इम्पल्स फोर्स के कारण घूमते हैं। तो इस पिक्चर में आप देखिए, सबसे पहले यह है हमारा ब्लेड, रनर ब्लेड। इसमें पानी अंदर की ओर जा रहा है जिसको हम कहेंगे रेडियल फ्लो, और नीचे की तरफ आ रहा है जो कि इसकी एक्सेस के पैरेलल है, इसको हम कहेंगे एक्सेल फ्लो। तो सबसे पहले हम समझते हैं इस एनिमेशन में, जब हमारा पानी रेडियल फ्लो करता है तो आप देखेंगे पानी रेडियल फ्लो करता है तो इस फिंस से टकराएगा या इस ब्लेड से टकराएगा। तो होता क्या है, इस ब्लेड की शेप एरोप्लेन के विंग्स की तरीके से होती है, जिसमें क्या होता है कि जब पानी फ्लो करता है तो एक तरफ हाई प्रेशर और एक तरफ लो प्रेशर जनरेट होता है। और हमको पता है जब भी प्रेशर डिफरेंस होगा तो हाई प्रेशर की तरफ से लो प्रेशर की ओर बल लगेगा, और इस तरीके से यहाँ पर हमारा रिएक्शन फोर्स लगता है और हमारी जो रनर है वो घूमने लगता है। अब इस एनिमेशन में आइए, हम देखते हैं कि ये जो ब्लेड का डिज़ाइन है वो इस तरीके से है कि ये जो एरिया है ये एक स्मॉल बकेट की तरीके से काम करता है, और जब हमारा पानी एक्सियली बाहर आता है तो वो यहाँ पर एक इम्पल्स फोर्स लगाता है और हमारा जो रनर है घूमने लगता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारा रनर है दो फोर्स के कारण घूमता है, एक रिएक्शन फोर्स के कारण और इम्पल्स फोर्स के कारण। यही इस टरबाइन का वर्किंग प्रिंसिपल है। आई होप आपको ये टरबाइन अच्छे से समझ में आई होगी और इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।